वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू एजू फॉर टेक। आज हम लोग लेक्चर नंबर 19 करने वाले हैं मेकाट्रॉनिक्स का, जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर मेनली हमारा ये चल रहा है। और अपने बारे में बताना चाहूंगा तो मैं 2017 एमटेक पास आउट हूँ स्लाइट लोंगोवाल से। अगर एग्जाम की बात करूँ तो गेट में 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। इवन मेरा RRB ALP SSC CHSL भी क्वालिफाइड है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 3 साल से ज़्यादा हम लोग को, मतलब मेरे को यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, सो आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एजू फॉर टेक में। टेलीग्राम चैनल हमारा ये लिंक है, ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उससे बड़ी बात ये है कि प्लीज़ इन वीडियोस को आप शेयर करें, रिकमेंड करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज एक बेहद कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हमारा डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यार, बेसिकली क्या है कि आपका ये जो PLDs चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं आएगा। आपको बस ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपने चीजें पढ़ी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो इनके साथ। सो आप हम लोग बात करने वाले हैं, आज हमारे पास जो पहला डिस्कशन है वो है मल्टीप्लेक्सर। इस मल्टीप्लेक्सर के बारे में जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। सो देखो, मल्टीप्लेक्सर का जो अपना मतलब है उसका मतलब क्या है कि मैनी इंटू वन। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे क्या कर रहा है, ये सिंगल में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत सारी यूनिट हैं उसको ये सिंगल में कन्वर्ट करेगा। सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिंगल लाइन। तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो क्या करता है, उसको सिंगल लाइन में क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक इनपुट है, दूसरा इनपुट है, तीसरा इनपुट है, मतलब इस तरीके से इनपुट 0, 1, 2, 3। यहाँ पे हमने क्या है, कितने इनपुट है, यहाँ पे 4 इनपुट है और आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिल रहा है। तो अगर 4 इनपुट है और एक आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बाकी की जो 3 इनपुट होंगे मेरे, वो कहीं ना कहीं क्या रहूंगा कि एक बार को एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम क्या होगा, एक बार को एक ही इनपुट का मुझे आउटपुट मिल रहा होगा। एक इनपुट का एट अ टाइम, मतलब 4 इनपुट दिए लेकिन 4 में से सिर्फ एक ही जीता और जो जीता वो आउटपुट में आ गया। उसको डिसाइड करने वाला कौन होगा, तो उसको डिसाइड करने वाले होंगे ये सिलेक्ट पिन। तो ये सिलेक्ट पिन क्या है, एक तरीके से डाटा सिलेक्टर हैं जो क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं कि इन 4 इनपुट में से किसको आगे पास करेंगे जो हमें आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिलेक्ट पिन कहलाती है, बोलते हैं सिलेक्ट पिन, या फिर यही हमारे पास क्या होते हैं, डाटा सिलेक्टर होते हैं। सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, इसको आप MUX है ना, इससे आप क्या करते हो, इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो। सो इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट्स वन डिजिटल इंफॉर्मेशन सेवलर सोर्स एंड ट्रांसमिट द सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल आउटपुट। तो ये 4 हमारे पास क्या है, कह सकते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेगा, उसको फर्दर आगे ट्रांसमिट करेगा जो भी सिलेक्टेड हुई होगी, और वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। सो इट इज अ डिवाइस दैट हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड अ सिंगल लाइन आउटपुट। तो इस डिवाइस में क्या है, मल्टीपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनपुट्स हैं, और जो अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और ये काम कौन करने वाला है, मैंने आपको बताया जैसे सिलेक्टर्स होते हैं तो यहाँ पे होती है हमारे पास सिलेक्ट लाइन। तो सिलेक्ट लाइन डिटरमाइन विच इनपुट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट ओवर अ नेटवर्क विद इन अ सर्टेन टाइम। तो ये क्या है हमारे पास, डाटा सिलेक्टर है। तो डाटा सिलेक्टर का काम पता लग गया, क्या करेंगे, ये करेंगे जो भी आपने इनपुट भेजे हैं उनमें से किसी एक इनपुट को चुनेंगे और उस एक इनपुट को क्या कर देंगे, उसका आउटपुट हमें शो कर देंगे। तो ये किसका काम है, डाटा सिलेक्टर का है, डाटा कह सकते हैं सिलेक्ट पिन्स होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन, क्या कि द साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज स्पेसिफाइड बाई द नंबर 2 की पावर n ऑफ इनपुट लाइन।
टू की पावर एन ऑफ इनपुट लाइन, जहां पे ये आपको जो एन दिख रहा है, एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ डाटा सिलेक्टर, कितने नंबर ऑफ डाटा सिलेक्टर है उसके बेसिस पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट लाइन मिल जाएंगे। जैसे जैसे क्या है कि अभी हमने जो केस लिया है, इसमें क्या है हमारे पास कितने सिलेक्टर है, इसमें हमारे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ दो सिलेक्टर है, तो क्या कर दूंगा टू की पावर टू, तो दो सिलेक्टर की वजह से टू की पावर टू कर दिया, तो ये कितना हो गया चार। तो ये जो चार निकल के आए हैं ये मेरे पास क्या है, चार है मेरे पास इनपुट लाइन, तो ये मेरे पास क्या होगी चार इनपुट लाइन। अगर आपके पास क्या होते तीन पिंस होती, मतलब तीन सिलेक्टर होते, अगर तीन सिलेक्टर होते तो आप क्या करते टू की पावर थ्री कर देते, और जब टू की पावर थ्री करते तो कितनी बच जाती आठ, और आठ मतलब क्या है कि मेरे पास फिर कितने इनपुट आ जाते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास कितने इनपुट होते हैं, फिर यहाँ पे आठ इनपुट होते हैं, और उस आठ इनपुट में से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा एक ही आउटपुट मिलने वाला है। तो जो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं कंप्यूटर में वो 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, जहाँ पे ये जो 4 दिखा रहा है, ये 4 दिखा रहा है आपको इनपुट के बारे में बता रहा है कि कितनी इनपुट लाइन है, और ये 1 बता रहा है आपको कितने आउटपुट लाइन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका कॉन्फिगरेशन डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिलेक्टर 1, और ये हमारे पास क्या है दो सिलेक्टर है जिसको मैंने S1 और S0 से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हमारे पास क्या है सिलेक्ट इनपुट लाइंस है, ठीक है, जो क्या करेंगे ये सिलेक्ट पिंस है, और ये मेरे पास क्या है डाटा इनपुट्स हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो D0 D1 D2 D3, तो ये मेरे पास क्या है ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट लाइन है, ठीक है। अब ये 4x1 हमारे पास क्या है मल्टीप्लेक्सर है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है एक आउटपुट मिल रहा है जिसको यहाँ से y से शो कर रखा है। तो देखो आपके पास सिलेक्टर 1 है, सिलेक्टर 2 है मतलब S1 और S2 है, और ये मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। सो देखो आप क्या हो रहा है, अगर सिलेक्टर 1 भी नहीं कोई मतलब क्या कह रहा है डिसीजन नहीं ले पा रहा, और ये भी नहीं ले पा रहा, तो 0 0, और आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, सपोज करो यहाँ पे आउटपुट में मिल गया सबसे पहले पिन इसने क्या सिलेक्ट कर ली D0, मतलब यहाँ पे सेट कर रखा है कि अगर 0 0 दोनों सिलेक्टर देते हैं तो D0 आउटपुट आएगा। अगर सिलेक्टर 1 क्या करता है 0 देता है, और सिलेक्टर जो 0 वाला है, ये जो 0 वाला है अगर ये 1 देता है तो आपको D1 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 1 देता है और ये 0 देता है तो आपको D2 मिल जाएगा, और इसी तरीके से अगर ये दोनों 1 देंगे तब आपको क्या मिलेगा D3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास ये पिंस में क्या होती है ऑलरेडी जो सिलेक्टर सिलेक्ट पिंस होती है इसमें डिसाइडेड होता है कि अगर 0 0 आएगा तो D0 ही मिलेगा, अगर 0 1 आएगा तुम्हारा तो D1 मिलेगा, अगर 1 0 आएगा तो D2 मिलेगा, और 1 1 आएगा तो D3 वाली आउटपुट में मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होती है इसकी वर्किंग होती है। तो ज्यादा डेप्थ में वैसे नहीं आता है, आपसे सिंपल ये पूछेगी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और मल्टीप्लेक्सर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं इनपुट लाइन के टर्म्स में, और आपसे पूछ सकता है क्या कि 4x मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास जो इनपुट लाइन होती है वो कितनी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जो ट्रुथ टेबल है इससे तो चांसेस बहुत कम है कि पूछे कुछ। उसके बाद आप देख सो समझ सकते हो इस तरीके, देखो ये तो इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है, आपको देखना है तो देख सकते हो, ये सर्किट डायग्राम हमें इस तरीके से बनता है जिसमें ये क्या होते हैं हमारे एंड गेट्स होते हैं, ठीक है, ये एंड गेट्स हैं, ये एंड गेट्स हैं मेरे, और ये मेरे ख्याल से क्या होता है जॉर गेट होता है या फिर नॉर गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है। तो इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया कि इस तरीके से क्या होता है ये सर्किट का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये सर्किट हमारे पास क्या अरेंज है, ये हमारे पास क्या है सर्किट अरेंजमेंट। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से क्या होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं। तो आप इसको देखो सिंपल तरीके से समझ सकते हो, जैसे क्या है कि आपके पास साउंड सिस्टम है, आपके पास क्या है साउंड सिस्टम है, और आपके पास क्या है साउंड सिस्टम को म्यूजिक देने के लिए आपके पास क्या है चार इनपुट है, तो आप चार इनपुट से क्या कर सकते हो आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या लगाया यहाँ से मल्टीप्लेक्सर लगाया, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा चारों को चारों इनपुट ले रहा है, चारों को चारों इनपुट लाइन इस पे आ रही है, लेकिन आउटपुट लाइन सिर्फ एक को शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो सिलेक्टर है वो कौन है, एक ए है और एक बी है। अब क्या है यहाँ से पहले से प्री डिफाइंड है कि अगर बी हमें ए 0 वैल्यू देता है और ए भी 0 वैल्यू देता है तो हमारी क्या चलेगी सबसे पहले MP3 वाला सिस्टम चल जाएगा, तो इस वाले से क्या आएगी साउंड आएगी और इनसे कोई भी साउंड नहीं आएगी। फिर क्या होगा सेकंड केस में हमारे पास, जब मैं बी को 0 दे दूंगा और ए को 1 दे दूंगा तो लैपटॉप से क्या होगी यहाँ पे साउंड सुनाई देगी आपको, तो उस टाइम पे ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप चलेगा। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास क्या है 1 0 वाला, मतलब बी को 1 दे दिया ए को 0 दे दिया तो सैटेलाइट ओपन हो जाएगी और सैटेलाइट से फिर ये सैटेलाइट चलेगी और बाकी क्या होंगे बाकी के आपको ये आउटपुट में नहीं मिलेंगे, तो ये हमारा म्यूजिक सिस्टम प्ले हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या बचता है, अगर ये 1 1 दे देता है तो हमारे पास केबल टीवी चल जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा एक टाइम पे केबल आउट टीवी से आउटपुट आउट सिस्टम मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होती है इनकी वर्किंग होती है।
ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्या काम होता है उसका, और किस तरीके से प्रीअरेंज्ड होती है, उसमें सिलेक्टर पिंस कैसे होती है, और 2 की पावर n है तो ये n का क्या मतलब होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मल्टीप्लेक्सर था, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, मल्टीप्लेक्सर था, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर होता है। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, बिल्कुल उसी मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स होता है। क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स। वहां पे आपके पास देखो, देखा था हमने कि 4 इनपुट आए थे और 1 आउटपुट मिल रहा था, तो डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, 1 इनपुट देने से आपको क्या होगा, 4 आउटपुट मिल जाएंगे। क्या होगा, 1 इनपुट देने से आपको क्या मिल जाएंगे, 4 आउटपुट मिल जाएंगे। इस तरीके से समझ सकते हो क्या, कि जैसे क्या होता है ना, बूंदी के लड्डू बनते हैं, तो बूंदी के लड्डू बनते हैं तो क्या होता है, जो बेसन होता है वो एक छन्नी होती है, वो छन्नी में डालता है, तो इनपुट कितना दे रहा है, 1, लेकिन क्या हो रहा है कि बिखर के बहुत सारी बूंदे बन जाती है, ठीक है, बहुत सारी क्या बन जाती है, बूंदे बन जाती है, तो क्या है, आपने इनपुट तो 1 दिया और आउटपुट क्या मिल गए, बहुत सारे मिल गए, तो वो क्या हो गया, डी मल्टीप्लेक्सर हो गया। तो डी मल्टीप्लेक्सर का जो मतलब है, उसका मतलब है 1 into many, मतलब क्या है कि 1 से काफी हमें मिलना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 इनपुट एंड ट्रांसमिटिंग द सेम ओवर 1 of several output, ठीक है। तो आपको आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि 1 इनपुट देने से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 आउटपुट मिल रहे हैं, और इसमें भी सेम वही फंडा है, यहाँ पे भी क्या होंगी, 2 सिलेक्टर पिंस होंगी, ठीक है। अगर मेरे पास क्या 4 आउटपुट मिल रहे हैं, सिलेक्टर पिन कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है, और ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या है, कि इस इनपुट से कौन कौन से आउटपुट मिलने वाले हैं। तो इनपुट डाटा लाइन इज कनेक्टेड टू ऑल द एंड गेट, और ध्यान रखना बस यहाँ पे कि जो इनपुट लाइन होती है, डाटा लाइन होती है, वो सिर्फ एंड गेट से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो S1 है और जो ये S0 पिंस है, ये क्या करती है, इनेबल ओनली 1 at a time एंड द डाटा अपीयर्स ऑन द इनपुट लाइन पासिस थ्रू द सिलेक्टेड गेट टू द एसोसिएटेड आउटपुट लाइन। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट अ टाइम पे हमारे पास जो कह सकते हैं कि एक टाइम पे एक ही हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है, इट एनेबल ओनली 1 at a time, और जो भी डाटा अपीयर होगा इनपुट लाइन पे वो क्या करेगी, पास कर देगी इन गेट के थ्रू, सिलेक्टेड गेट के थ्रू, कहाँ पे, टू द एसोसिएटेड आउटपुट लाइन, ठीक है। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्या काम होता है उसका, बस इतना आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, सिलेक्ट पिंस है, ठीक है, जिसको हमने S1 और S0 बोला है। डाटा इनपुट सपोज करो यहाँ पे D है, तो यहाँ पे आपको कितना आउटपुट मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहे हैं Y0, Y1, Y2, Y3, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्या बनाए, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रुथ टेबल बनाओगे तो कैसे बनेगी, ये डाटा इनपुट है, ये आपके पास क्या है, सिलेक्ट इनपुट्स हैं, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो डाटा इनपुट तो क्या है, थ्रू आउट मेरा क्या है, सेम रहने वाला है, तो डाटा इनपुट तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या है, डाटा इनपुट तो हमारे पास क्या है, डी 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 है, ठीक है, ये तो हमने क्या दे दिया, सबको डी डी दे दिया। अब सिलेक्ट पिन का काम क्या है, फिर से वही हमारे पास 4 वाला है, तो टू टेबल बनेगी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अगर 0 0 कॉम्बिनेशन बनता है तो सिर्फ आउटपुट कहाँ मिलेगा, आपको वाई नॉट पे मिलेगा। अगर आपका 0 1 कॉम्बिनेशन बनता है तो आउटपुट कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Y1 पे मिलेगा। अगर 1 0 का कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो Y2 का मिलेगा। और अगर आपका 1 1 कॉम्बिनेशन बनता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ D का मिलेगा, बाकी आपको आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डी मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है, और ये क्या है, इसका सर्किट डायग्राम है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सर्किट डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बस आप एक बार देख लो। तो देखने से क्या होता है, पिक्चर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, माइंड में रिटेन रहती है, ठीक है। सो वो तो हमारा मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टर्म्स बार बार आती हैं, जैसे हमारे पास आता है बस सिस्टम या कम्युनिकेशन बसेस, ठीक है, बस सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन बसेस। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बस का काम क्या होता है, सिंपली क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मेमोरी को लेके जाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बस होती है, यहाँ पे हमारे पास जो बंचेस ऑफ वायर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो डाटा है और या फिर एड्रेस है या फिर हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल्स है, वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। डाटा, एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, इस बस के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे फ्लो कर रहे होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन का काम करता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर करता है, कम्युनिकेट करता है विद द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूजिंग द सिस्टम बस। और ये जो सिस्टम बस होती है, इसमें 3 टाइप की होती है, एड्रेस बस, एक होती है डाटा बस, और एक होती है हमारे पास कंट्रोल लाइन,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो आपको पूरा ब्लू पथ दिखा रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम बस है। और सिस्टम बस क्या कर रही है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इन सबको क्या कर रही है, कम्युनिकेट कराने का काम कर रही है, हेल्प कर रही है, सही है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमने अभी देखा कि बस हमारे पास क्या होती है, बस सिस्टम हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एड्रेस बस सिस्टम, डाटा बस सिस्टम, कंट्रोल लाइन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एड्रेस बस का क्या रोल होता है। तो एड्रेस बस क्या बताती है, ये बताती है कि कोई डाटा कहाँ से आ रहा है और उसको कहाँ लेके जाना है। मतलब क्या है कि एड्रेस कहने का मतलब ये है कि हम पूछते हैं ना कि आपका एड्रेस क्या है, तो आप कहते हो सर मैं इस जगह से फलाना जगह से आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। और सपोज करो क्या है कि मुझे, आपने मुझे कोई चिट्ठी दी, ठीक है, या फिर इस तरीके समझ सकते हो कि आप गए पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, दो एड्रेस हम मेंशन करते हैं, एक तो वो एड्रेस मेंशन करते हैं कि हमें वो चिट्ठी कहाँ भेजनी है, और एक एड्रेस मेंशन करते हैं जो हमारा एड्रेस होता है। तो वो जो हमारा एड्रेस है वो बता रहा है कि ये जो हम चिट्ठी भेज रहे हैं वो कहाँ से आई है, और जो वो आप सेंड वाला जो ऑप्शन देते हो वो मेंशन करता है कि चिट्ठी कहाँ तक जानी है, कहाँ पे जानी है। तो इसका मतलब क्या है कि एड्रेस बस क्या है, एक तरीके से कह सकता हूँ कि एक तरीके से क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन का कह सकते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन का कह सकते हैं सोर्स है, जो क्या करती है, जो हेल्प करती है कि कोई डाटा कहाँ से आ रहा है और उसको कहाँ लेके जाना है। सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। मतलब क्या है कि एक जगह से ही फ्लो होगा, भाई मैं अगर चिट्ठी लेके आया हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि चिट्ठी वापस मेरे पास ही आ जाएगी, वो चिट्ठी वापस मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है, मैंने एक बार भेज दी तो वो चली गई। और इसमें क्या होगा, जो मेमोरी है और जो इनपुट एड्रेस है वो सब क्या करती है, ये कैरी करती है और ये बताती है कि फ्रॉम वेयर द डाटा विल कम और टू वेयर द डाटा वुड गो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा बस। सो डाटा बस के बारे में बात करते हैं, तो डाटा बस क्या होती है, डाटा बस ये बताती है कि जो डाटा है उसको कौन लेके आया, उसको कौन लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं हो रहा कहाँ से लेके आए हो, यहाँ ये हो रहा है कि उसको लेने वाला कौन है, ठीक है। अगर आप चिट्ठी देने जा रहे हो तो चिट्ठी आप लेके जा रहे हो ना, तो चिट्ठी कौन लेके आया, आप लेके आए, ठीक है। सो हु विल ब्रिंग द डाटा टू एंड फ्रॉम, कहाँ से लेके आया ये बताना जरूरी है, ठीक है, कहाँ से और कौन लेके आया वो कौन बताएगा, डाटा बस बताएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये हमारे पास ये होती है बाई डायरेक्शनल नेचर की होती है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्रांसफर होता है वो बाइनरी डाटा का और इंस्ट्रक्शन का होता है, किस किस के बीच में, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लाइन्स के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ध्यान रखना है कि हु विल ब्रिंग द डाटा टू एंड फ्रॉम। उसके बाद देखो हमारे पास जो थर्ड टाइप की आती है वो आती है कंट्रोल लाइन्स। क्या आती है, कंट्रोल लाइन। तो कंट्रोल लाइन क्या करेगी कि वो जो डाटा आपने भेजा है उसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या करना है वो कौन डिसाइड करेगी, कंट्रोल लाइंस करेगी। मतलब ये क्या करेगी, ये उस कंट्रोल को यूज करेगी, इट इज यूज टू कंट्रोल, कंट्रोल करने करेगी और मॉनिटर करेगी जो भी डाटा ट्रांसफर हुआ है, जो भी डाटा ट्रांसफर हुआ है उसको करेगी कंट्रोल करेगी, मॉनिटर करेगी। एंड क्या लिखा है, रीड एंड राइट टाइमिंग सिग्नल्स अजस्टेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है चार, मतलब तीन टाइप की जो बस सिस्टम है, आप इसको देख लेना, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये, तो इनको आप देख लेना एक बार, थ्योरी इसकी पढ़ लेना तो आपको समझ में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या आती है, कैच मेमोरी आती है, ठीक है, कैच मेमोरी आती है। तो कैच मेमोरी क्या होती है, तो देखते हैं कैच मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है, देखो बेसिकली ये जो मेमोरी होती है, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि ये मेमोरी क्या होती है। ये जो मेमोरी होती है सबसे नियरेस्ट होती है किसके, सीपीयू के। पहली बात कि पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये क्या कहाँ पे होती है, सबसे नियरेस्ट टू सीपीयू होती है। और इसमें क्या होता है, जो भी रिसेंट, मतलब जो भी अभी अभी जो रिसेंट एक्टिविटीज हुई है, रिसेंट इंस्ट्रक्शन हुए हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं किसमें, कैच मेमोरी में, ठीक है। तो क्या होते हैं, जो भी रिसेंट इंस्ट्रक्शन है, जो भी रिसेंट इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर जाते हैं इनटू कैचे मेमोरी में। अब क्या होता है, ये क्या करती है, जो रिटेन करती है, मतलब इट इज यूज्ड टू स्टोर द लास्ट डाटा यूज्ड बाय द सीपीयू। जो भी लास्ट डाटा होता है उसको क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है, और इसको हम अटैच करते हैं फॉर स्टोरिंग द इनपुट विच इज गिवन बाय द यूजर। मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये मेरे पास क्या है, मेन मेमोरी है, क्या है, मेन मेमोरी है।
तो मेन मेमोरी से क्या हो रहा है आपके पास, जो भी प्रोग्राम है ठीक है, जो भी प्रोग्राम आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, इस कैचे मेमोरी में जा रहा है। तो ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम आया है ठीक है, ये कैचे मेमोरी जाएगा, और कैचे मेमोरी क्या करेगी, इसको बिट बाय बिट ठीक है, छोटे छोटे बिट्स में क्या करेगी, इसको किसको ट्रांसफर करेगी, सीपीयू। सीपीयू में क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर होगा, क्या होगा यहाँ पे रजिस्टर होगा। तो ये बिट बाय इंफॉर्मेशन, बिट बाय बिट जो भी प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन मिली है उसको करेगी, इस रजिस्टर में ट्रांसफर करेगी, और ये रजिस्टर किसको देगा, ये एएलयू को देगा। ये क्या करेगा, ये एएलयू को ट्रांसफर करेगा, और एएलयू क्या करेगा, जो भी उसपे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो क्या करेगा, एएलयू परफॉर्म करेगा ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये जो कैचे मेमोरी है ये वर्क करती है, क्या करती है, ये वर्क करती है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप क्या करते हो, अगर एक साइड को बार बार खोलते हो ठीक है, एक साइड को आप कई बार खोलते हो, तो आप देखते हो कि वो साइड एकदम से खुल जाती है ठीक है। वो क्यों खुल जाती है, क्योंकि जो आपके डेस्कटॉप या फिर फोन में एक आपके पास एक फोल्डर होता है कैशे मेमोरी का, तो वहां पे क्या होती है, वो डाटा सेव हो जाता है ठीक है, वो डाटा सेव हो जाता है, और क्या करते हो, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो तुरंत वो साइड खुल जाती है, ऐसा होता होगा ठीक है। तो कैचे मेमोरी क्या है, वो यही है कि हमारे पास जो भी रिसेंट इंस्ट्रक्शन हुए हैं उसको स्टोर करता है किसमें, कैचे मेमोरी में, और क्या करता है, ये रिस्टोर करता है जो भी लास्ट डाटा सीपीयू ने यूज किया। तो इट इज यूज टू रिस्टोर, मतलब इट इज यूज टू स्टोर द लास्ट डाटा यूज बाई द सीपीयू। सो इट इज अटैच फॉर स्टोरिंग द इनपुट विच इज गिवन बाई द यूजर। जो भी हमने इनपुट दिया है उसको स्टोर करने के लिए क्या होता है, हम लोग कैचे मेमोरी लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, स्पीड बढ़ जाएगी ठीक है। और क्योंकि जो सीपीयू होता है उसको क्या होना होगा, फिर से वो रैम की तरफ नहीं जाएगा, एंड विच इज नेसेसरी फॉर द सीपीयू टू परफॉर्म आर टास्क। और क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि रैम पर नहीं जाने की वजह से क्या होगा, और हमारे पास जो स्पीड बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या होगा, जो सीपीयू की अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ये नेसेसरी कह सकता हूँ टास्क के तक जो सीपीयू को परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरीके से कैचे मेमोरी क्या करती है, वर्क करती है ठीक है। आपको इस पर ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होते हैं, देखो रजिस्टर आप भी यूज करते हो, तो रजिस्टर किस लिए यूज करते हो, आप क्या करते हो, जो भी अभी मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, तो एक तरीके से नोट करने के लिए क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो जो डाटा है हमारे पास, जो डाटा है उसे कर रहे हो आप वहां पे स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर में क्या होता है, जो डाटा होता है आपका सिर्फ टेम्परेरी होता है। मतलब इस तरीके से समझ लो कि जो आपने क्या किया है, रफ वर्क ठीक है, जो रफ वर्क कर रहे हो, रफ वर्क बाद में आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हो, किसी काम का नहीं होता ठीक है। समझने के लिए आपने रफ में नोट कर लिया ठीक है, रफ ने आपने क्या कर दिया, प्रैक्टिस कर ली और बाद में उसको भूल गए, मतलब उसको कहीं और फेंक दिया। तो ये जो आपका जो रफ वर्क एक तरीके से रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है। सो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, पहली बात सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। पहली बात तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। दूसरी बात क्या रखना है, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती है, और ये सीपीयू में क्या होती है, लोकेट होती है। इसकी जो लोकेशन होती है वो सीपीयू में होती है ठीक है, और वो किसकी फॉर्म में होती है, रजिस्टर की फॉर्म में होती है, जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये जो करते हैं स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एलिमेंट्स का क्या करते हैं, मतलब ये होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होल्डिंग डाटा एलिमेंट्स होते हैं ठीक है। सो दे आर द स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एलिमेंट्स। तो रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर मैंने आपको बताया टेम्परेरीली ठीक है, टेम्परेरी होल्ड करेगा उस फ्रीक्वेंटली यूज डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, मेमोरी को, मेमोरी एड्रेस को, जो भी सीपीयू क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दे होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली पजस्ड बाई द सीपीयू। जो भी हमारे पास जो भी करेंटली में जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है उन इंस्ट्रक्शन को करने का काम करेगा, होल्ड करने का काम करेगा। सो ऑल द डाटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। जैसे मैंने अभी बताया ना कैचे मेमोरी का, तो वहां से क्या हुआ था, जो कैचे मेमोरी से कहाँ पे गया था, रजिस्टर में गया था। तो जो भी डाटा आ रहा है, जो भी डाटा आ रहा है उसको रजिस्टर से पास होना ही होगा, ताकि तभी वो आगे प्रोसेस हो पाएगा। सो ऑल द डाटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर बिफोर इट कैन प्रोसेस्ड।
ठीक है, सो दे आर यूज बाई द सीपीयू टू प्रोसेस द डाटा एंटर्ड बाई द यूजर। तो आप जो भी अगर वो डाटा एंटर कर रहे हो, जो भी डाटा एंटर कर रहे हो, वो कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले रजिस्टर में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका प्रोसेसिंग आगे फर्दर होगी। सो ईच रजिस्टर हैज स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। हर रजिस्टर का क्या होता है, अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो इतना हम डिटेल में नहीं जानेंगे, बस आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, रजिस्टर के बारे में पूछ सकता है कि रजिस्टर होते क्या है, ठीक है, और इनका क्या काम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक फंक्शन की बात करता हूँ, तो जैसे हमारे पास एक्यूमुलेटर टाइप का रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है, स्टैक रिपॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। हल्का सा बस आपको नाम ध्यान रखना है, बाकी रजिस्टर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, टेम्पररी होल्ड करता है डाटा यू को, ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं जो बार बार यूज होती होंगी, है ना, यूज होंगी, मतलब जैसे क्या है कि ALU। तो ALU आप जब कंप्यूटर पढ़ते थे तो वहां पे आता था, इसको क्या बोलते थे, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक तो अरिथमेटिक यूनिट होती है और एक मेरे पास क्या होती है, लॉजिक यूनिट होती है। तो अरिथमेटिक जैसा क्या है कि आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिविजन करना है, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन पार्ट करेगा, वो कौन सा पार्ट करेगा, आपका ALU करेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है, लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। तो लॉजिकल यूनिट्स क्या होती है, हमारे पास जो भी लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, जो भी लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन वन हो गया, लेस देन वन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है, मतलब क्या है कि एंड और नॉट ऑपरेशंस जो भी हैं वो कौन करेगा, लॉजिकल यूनिट करेगा। तो ये लॉजिकल यूनिट हमारे पास और अरिथमेटिकल यूनिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, ALU कहलाता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहलाता है। तो इतना आपने जान लिया, इतना सफिशियंट है। उसके बाद देखो कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, सीपीयू का ही पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, जो क्या करता है, हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट डाटा फ्लो है और जो सिग्नल फ्लोज हो रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पे बताता है, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या करता है, मतलब उनके लिए कह सकता हूँ कि रेस्पॉन्सिबल होता है, डेडिकेटेड होता है टू कोऑर्डिनेट डाटा फ्लो एंड सिग्नल फ्लो थ्रू वेरियस टाइप ऑफ बसेस। अब हमारे पास बसेस हमने कौन कौन सी देखी थी, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस होती है, ठीक है, और ये करता है, इट डायरेक्ट द डाटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज एंड इनपुट डिवाइस। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल के बारे में भी यहाँ पे आपने जान लिया। उसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, मेमोरी होती है। तो मेमोरी हमारे पास क्या होती थी, रैम हो सकती है या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, रोम हो सकती है। तो आप बचपन से पढ़ते हो, आपने कंप्यूटर पढ़ा था। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी सेगमेंट्स बींग यूज बाई द सीपीयू। तो सीपीयू करती है, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक हमारे पास क्या होती है, रोम होती है, जिसको आप बोलते हो रीड ओनली मेमोरी, और एक हमारे पास क्या होती है, रीड एंड राइट, या फिर आप इसको बोलते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम की बात कर लेते हैं। तो रोम क्या है हमारे पास, सीपीयू क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ जो भी स्टोर डाटा है उसको यहाँ पे रीड करने का काम करता है। क्या करता है, रीड करने का काम करता है। यहाँ पे कोई भी राइटिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, इस मेमोरी में। सो इट इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम दैट नीड नो अल्टरनेशन। ये ऐसे प्रोग्राम को स्टोर करेगा जहां पे कोई भी आप चेंज नहीं चाहते, कोई भी अल्टरनेशन नहीं चाहते हो, ठीक है, और चेंजेस लाइक मॉनिटर प्रोग्राम या फिर कीबोर्ड ड्राइवर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपके क्या है, रोम में है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, रैम। तो रैम है क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल रोम का क्या है, अपोजिट है, और यहाँ पे हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन जनरल्स की बात करते, यूजर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर हो रहे हैं इस सेगमेंट में, हमारे पास इस मेमोरी यूनिट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रोम का आइडिया हो गया, रैम का आइडिया हो गया। उसी तरीके से हमारे पास देखो इनपुट डिवाइस है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको शो हो रहा है, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस तो है। तो इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर इनपुट डाटा टू माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम कीबोर्ड और फ्रॉम ADC विच रिसीव डाटा फ्रॉम सेंसर सिग्नल्स एंड कंडीशनिंग सिस्टम। तो इनपुट तो सिंपल, आपके पास जो भी इनपुट दे रहे हो डाटा, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसमें एंटर हो रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस हमें पता है कि क्या करते हैं, जो भी हम लोग जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले कराने का काम करते हैं, ठीक है। जब क्या होता है ALUs में क्या होता है, या फिर हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है या फिर हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारे पास जो भी कंक्लूजन है, जो भी रिजल्ट है, वो क्या करता है, आउटपुट डिवाइस हमें क्या करता है, शोज करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिए हैं। तो
आपके लिए देखो एग्जाम के लिए है ना, अगर मैं बात करूं कि आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं और हमें इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ना है जितना इलेक्ट्रिकल वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा मैकेनिकल स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, हमारा जो पार्ट है इसका वो ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है। ठीक है, ऊपर आता है, बस आपको चीजें के बारे में पता होना चाहिए, आपने पढ़ी होनी चाहिए, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही क्या होगी, हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर की जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, जैसा हमारा चलता आ रहा है कि क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे वहां पे पाओगे कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो इतने डेप्थ में नहीं आ रहे। अगर आपके पास अभी भी ईएससी की बुक अवेलेबल है या फिर आपको नेट में भी क्या मिल जाएंगे, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके देखो, डाउनलोड करो उन पेपर को और आपको देखो, आप देखोगे कि वहां पे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके किस पे आ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे कभी भी मतलब इतना कह सकता हूँ कि वहां पे सिर्फ जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो थ्योरी है, कोई भी न्यूमेरिकल हमें माइक्रो प्रोसेसर से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग होती है, तो प्रोग्रामिंग भी हमारे लिए अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है ईएससी में। जब ईएससी में क्वेश्चन नहीं आया है तो यूपीपीएससी ए में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो सिलेबस रोबोटिक्स और मेकाट्रॉनिक कहने को तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन आप देख लो कि कितना वास्ट सिलेबस है, तो हर चीज नहीं देखी जा सकती। तो हमारे पास क्या है कि जो एनालिसिस किया गया, जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि रोबोटिक्स मतलब मेकाट्रॉनिक्स में आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग होती है उससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास कन्वर्जन्स होते हैं जो आप लोग बेसिकली करते हो। अगर आप नॉर्मल आपने जेई वेई का एग्जाम दिया था, अगर रेलवे का एग्जाम दिया था, तो वहां पे भी हमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहां पे भी हमारे पास नंबर कन्वर्जन सिस्टम आया था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन हमारे पास पूछे हुए थे। और ईएससी में भी क्या आया था, मतलब हाल ही फिलहाल में करंटली इससे क्वेश्चन आया हुआ है नंबर सिस्टम से। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम पे ही होगा। ठीक है, और इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और आपको अगर जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।